हेलो एवरीवन, प्रवीण कुमार दिस साइड। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंपल वेब पेजेस कैसे बनाए जाएं HTML का यूज करके। और जैसा कि हम सबको पता है कि HTML एक ऐसा मार्कअप लैंग्वेज है जो हमारे वेब पेजेस को क्रिएट करता है, वो भी सिंपल एडिटर यूज करके। और बहुत सारे जब वेब पेजेस मिलते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं, तो एक वेबसाइट बनता है। जैसे आज के समय में गूगल एक वेबसाइट हो गया, कहीं ना कहीं हम अपना कोई पर्सनल वेबसाइट बनाते हैं, तो बहुत सारे वेब पेजेस को कनेक्ट करके बनाते हैं। तो वो जो सिंपल जो लैंग्वेज है, जो सबसे स्टार्टिंग में यूज किया गया था किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए, वो HTML यूज किया गया था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम HTML के बारे में एक इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। जैसा कि हम सबको पता है, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होता है जो वेबसाइट के स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। अब वेबसाइट में बहुत सारी चीजें होती हैं। आप कभी कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उस वेबसाइट पर आप देखोगे ऊपर का एक हेडिंग होता है, जिसको हम लोग हेडर भी बोलते हैं कई बार, और उसके बाद उसके नीचे कुछ कंटेंट लिखे होते हैं जिनको हम लोग बॉडी पार्ट भी बोलते हैं, एंड इसके नीचे कहीं ना कहीं फुटर पार्ट होता है, जिसके नीचे हम लोग फुटर में कुछ अपने कंटेंट लिखते हैं। तो वेबसाइट बहुत सारे एलिमेंट से बनकर बना होता है, जिसको कई बार हम लोग टेक्निकल वर्ड में सिमेंटिक एलिमेंट भी बोलते हैं। सिमेंटिक एलिमेंट, ये अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जो हम लोग आगे डिटेल्स में बातें करेंगे। तो इस सिमेंटिक एलिमेंट के अंदर हमारा HTML कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वेबसाइट को क्रिएट करता है। अब HTML के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहीं ना कहीं HTML का फुल फॉर्म होता है। और इस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप के बारे में अगर हम लोग बातें करें, तो देखिए पहले के समय में जो ओल्डर वर्जन होते थे, ओल्डर वर्जन में कुछ ऐसे HTML यूज होते थे जिनके पास वो फीचर्स नहीं होते थे जो HTML 5 के पास में। जैसे पहले के समय में HTML 4.01 यूज किया जाता था, और कई बार XHTML यूज करते थे हम लोग, जो कि कहीं ना कहीं एक ओल्डर वर्जन होता है, 1.0 होता था। तो हम लोग ये ओल्डर वर्जन यूज करते थे। बट आज के समय में जो न्यूअर वर्जन आया हुआ है, जिसमें जो हमारा HTML 5 है, HTML 5 के अंदर फीचर्स कुछ नए एलिमेंट ऐड किए गए हैं, जिसमें हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर ऑडियो भी एंटर कर सकते हैं, वीडियो भी एंटर कर सकते हैं, जो वेबसाइट के अंदर वीडियो भी प्ले होता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ नए एक्स्ट्रा एलिमेंट डाले गए हैं, और इसीलिए मैंने HTML 5 यूज़ किया, क्योंकि आज के समय में मोस्टली जो वेबसाइट के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो HTML 5 से बन रहे हैं। एंड अगर हम HTML को कैसे स्टार्ट करना है, HTML बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो अगर हम उसके बारे में बात करें, तो HTML के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ हमें ज़रूरत होगी, हमें एक ब्राउज़र का ज़रूरत पड़ेगा। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ करने वाला हूँ, तो हम क्रोम पर बातें करेंगे। एंड दूसरी जो चीज़ हमें रिक्वायरमेंट होगी, वो एक एडिटर की ज़रूरत होगी, एक एडिटर जिसमें हम अपने सारे जो कोड है, जो स्क्रिप्ट है, वो हम लोग लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर चीज़ें आसान करने के लिए नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करूँगा। अगर आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप में नोटपैड प्लस प्लस नहीं है, तो आप नोटपैड प्लस प्लस गूगल पे सर्च करोगे, डाउनलोड कर सकते हो। और अगर नोटपैड प्लस 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 नहीं है, तो आप सिंपल नोटपैड में भी HTML तो बनाना सीख ही जाओगे, उस पर भी हम बातें कर लेंगे। तो ऐसा कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास HTML प्लस प्लस नहीं है तो आप HTML आप नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होंगी। अब इन दोनों चीज़ों को समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो HTML में जनरली यूज होते हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो जो बेसिक चीज़ है, सबसे पहली चीज़ आती है, अगर हम बेसिक नॉलेज के बारे में बातें करें, तो सबसे पहली चीज होती है टैग्स। तो जितने भी हम लोग HTML के अंदर जो भी हम लोग कोड लिखते हैं, वो बेसिकली कोड जो होता है उसको हम कोड नहीं बोलते, टैग्स बोलते हैं। अलग अलग आपको टैग देखने को मिलेंगे, जिसका एक सिंटैक्स होता है। ये हमेशा फॉरवर्ड
ट्रायंगुलर एंगुलर ब्रैकेट और बैकवर्ड एंगुलर ब्रैकेट, ये दो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें आपकी लिखी होती है वो टैग होता है। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं टाइटल टैग, हम लोग कई बार यूज करते हैं हेड टैग, कई बार हम लोग यूज करते हैं बॉडी टैग, ये सारी चीजें जो होती हैं टैग बोला जाता है इनको। दूसरी जो चीज होती है जो हम लोग यूज करते हैं बेसिक एचटीएमएल के अंदर होता है, वो होता है एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर अगर हम एक एग्जांपल देखें एलिमेंट का, तो एलिमेंट के अंदर जैसे एक पर्सन ने कोई हेड टैग का यूज किया, तो ये हेड जो होता है इस टैग को हम लोग को क्लोज भी करना होता है। ये ओपन टैग होता है, क्लोज करने के लिए हम लोग फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, हैड एंड देन अपना कंटेंट लिखते हैं, जो भी हम कंटेंट यहाँ के अंदर लिख रहे हैं। तो ये हमारा ओपन टैग हो गया, ये हमारा क्लोज टैग हो गया, और इनके बीच के अंदर हम लोग लिखते हैं अपना कंटेंट। तो इन तीनों चीजों को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। अब कई बार कुछ ऐसे टैग भी होते हैं जिसको हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, जैसे बी आर एक ब्रेकलाइन टैग होता है, जो लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है, नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए होता है। इसको केवल एक बार आपको यूज करना होता है, हम लोग कभी इसको क्लोज नहीं भी करेंगे तो ये काम करेगा। एक होता है HR, हॉरिजेंटल लाइन होता है। हॉरिजेंटल लाइन कहीं ना कहीं आपके लिए आपका एक लाइन क्रिएट हो जाता है, एक इसको मैं एग्जांपल करके भी आपको दिखाऊंगा। तो ये ऐसे टैग होते हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। थर्ड अगर हम लोग चीज के बारे में बात करें, जो थर्ड हमारा जो बेसिक चीजें होती हैं जिसमें आपका आता है एट्रीब्यूट। जिस तरीके से एक पर्सन का कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होता है कि वो पर्सन बहुत पॉजिटिव रहता है, वो पर्सन बातें अच्छी करती हैं, तो इसी तरीके से हमारे जो टैग होते हैं जो हम लोग HTML में यूज करते हैं उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक H1 टैग के बारे में बात करें, H1 एक हेडर होता है, हेडिंग के लिए यूज करते हैं, तो इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। H1 टैग के बारे में अगर हम बात करें तो इनके एक एट्रीब्यूट होती है ID। जैसे ID के अंदर हमने लिख दिया डबल कोटेशन के अंदर मेन, और इसको हमने बंद कर दिया, फिर हमने अपना कंटेंट जो भी हमने अपना कंटेंट लिखा और फिर H1 को हमने क्लोज कर दिया, ये फॉरवर्ड स्लैश होता है। तो ये ID जो है ये एक एट्रीब्यूट हो गया, एक बिहेवियर हो गया, जो H1 का एक बिहेवियर हो गया। ये हमारा मेन टैग हो गया, ये हमारा मेन कहीं ना कहीं एक H1 टैग हो गया, हेडर टैग बोलते हैं हम लोग, और ये जो ID है ये कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट हो गया। तो ये तीन बेसिक चीजें आपको समझनी होंगी जब आप HTML के अंदर अपने अपने वेबसाइट को बनाने के लिए जाते हो।